हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शोएब मलिक के बारे में। आखिरकार संन्यास लेने के बाद उन्होंने क्या भावुक बयान दिया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा दिखाया गया वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक तो कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पे मिल सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरी खबर की। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉर्ड्स में कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इस वर्ल्ड कप का 43वां मुकाबला खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को 94 रनों से हराकर इस वर्ल्ड कप से विदा ली। तो वहीं इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हार के बाद लगातार बुरे फॉर्म से गुजर रहे पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज शोएब मलिक ने वनडे क्रिकेट से भी संन्यास का ऐलान कर दिया। हालांकि हम आपको बता दें कि शोएब मलिक ने सिर्फ वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया, वो अभी T20 क्रिकेट में उपलब्ध रहेंगे और इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट से वो काफी समय पहले ही संन्यास ले चुके हैं। तो वही बांग्लादेश से मैच जीतने के बाद मलिक ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया और सबका धन्यवाद किया। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं उनका पोस्ट। इस पोस्ट में मलिक ने लिखा है कि आज मैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूँ। मैं उन सभी खिलाड़ियों को जिनके साथ मैं खेला और उन कोचों को जिन्होंने मुझे प्रशिक्षित किया, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा अपने परिवार, दोस्त, मीडिया और प्रायोजकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और वहीं फिर आखिर में मलिक ने अपने प्रशंसकों का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। और वहीं इसके अलावा हम आपको बता दें कि मलिक का विश्व कप 2019 कुछ ज्यादा खास नहीं रहा। इस विश्व कप में उन्होंने 3 मैच खेले और मात्र 8 रन बनाए और भारत जैसे महत्वपूर्ण मैच में उनका 0 रन पर आउट होना उनके करियर पर सबसे बड़ा सवाल बन गया, जिसके बाद उन्हें बाकी के मैचों में टीम में नहीं रखा गया। अब मलिक सिर्फ पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में शिरकत करते हुए आप सभी को नजर आएंगे। तो दोस्तों यही था शोएब मलिक का बयान। आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि शोएब मलिक के बिना अब पाकिस्तान की टीम जीतेगी या फिर नहीं। और अगर आप लोग को हमारी दिखाई गई जानकारी अच्छी लगी तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली एक और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।